गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये लाइट का सेकेंड लेक्चर है। लाइट के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में, लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। समझिएगा, कोई पॉलिश सरफेस हम लोग लिए हुए। पॉलिश सरफेस क्या होता है? वैसा सरफेस जिसका एक पार्ट हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए और एक पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, उसे ही हम लोग मिरर भी कहते हैं। तो कोई सरफेस लिए हुए जिसका एक पार्ट हम लोग क्या किए, पॉलिश कर दिए। अब होता क्या है कि जैसे अगर ये एक सरफेस मान रहे हैं, इसका नीचे वाला पार्ट हम लोग क्या किए हैं, पॉलिश कर दिए, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो जब इस पे रे ऑफ लाइट फॉल करता है, जब रे ऑफ लाइट इस पे पड़ता है, तो यहां पर पड़ने के बाद टकरा कर वापस क्या होता है, लौट जाता है। ठीक है, क्यों लौट जा रहा है? क्योंकि ये सरफेस को हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। अगर हम लोग सरफेस को पॉलिश ना करते तो क्या होता, रे ऑफ लाइट आता और वो क्या होता, अंदर तरफ से पार हो जाता। ठीक है, मतलब इसके इन हो जाता, अंदर की ओर घुस जाता, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके एक पार्ट को पॉलिश कर दिया। तो रे ऑफ लाइट जब फॉल किया इस पे, पड़ा इस सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, तो यहां से बाउंस बैक कर गया और मीडियम क्या रहा, सेम रहा। जैसे एयर के मीडियम से आया और एयर के मीडियम से ही चला गया, मीडियम तो चेंज नहीं किया ना, ऐसा बात तो नहीं था ना कि एयर से आया और वो ग्लास, जैसे ग्लास का सरफेस से अगर मान रहे हैं उसका पॉलिश किए हुए तो वो इंटरनल पोर्शन में घुस गया, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इट मींस वो इस मीडियम से आया और इसी मीडियम में वापस लौट गया, चाहे जो भी मीडियम हो, मीडियम यहां सेम रहा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर उसका एक्सप्लेनेशन देखें इन इंग्लिश में तो उसको हम लोग और इजी वे में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, द प्रोसेस ऑफ लाइट इन विच लाइट फॉल इन अ पॉलिश सरफेस। लाइट का वैसा प्रोसेस जिसमें लाइट जो है वो किसी पॉलिश सरफेस पे फॉल करता है एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम, और क्या करता है, बाउंस बैक करता है उसी मीडियम में। ये पॉलिश सरफेस था, रे ऑफ लाइट फॉल किया और यहां से क्या करता है, बाउंस बैक करता है सेम मीडियम में, मीडियम चेंज नहीं करता है, सेम मीडियम में, इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी पॉलिश सरफेस हम लोग लिए हुए हैं, जब उस पर रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो वहां से वो बाउंस बैक कर जाता है सेम मीडियम में। लाइट की ऐसी फिनोमेनन को, फिनोमेनन मिस घटना या फिर बोलिए ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग उसके फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग यहां पर एक पॉलिश सरफेस लिए हुए हैं, जब उस पे रे ऑफ लाइट फॉल करता है उसके बाद यहां से होता क्या है कि वो बाउंस बैक कर जाता है सेम मीडियम में। इसी फिनोमेनन को या इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले थे। अब यहां पर कुछ टर्म आता है, उस टर्म को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो लाइट से रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इट मींस आने वाले रे को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। और टकरा के जो वापस चला जाएगा, इट मींस जो बाउंस बैक हो जाएगा जो रे, उसे कौन सा रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, जो टकरा के वापस चला जाएगा उसे कौन सा रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका जो ओ पॉइंट है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वैसा पॉइंट जिस पे रे ऑफ लाइट फॉल करेगा, फॉल मतलब पड़ेगा। जैसे रे ऑफ लाइट आया और इस पॉइंट पे पड़ा ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे।
ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब सीधा एक लाइन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक तरह का परपेंडिकुलर लाइन है जो लाई करता है किसके किसके बिटवीन में, किसके किसके बीच में, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है। और ये जो सरफेस था वो कैसा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है या फिर बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम लोग एंगल आई लिख रहे हैं, आई के द्वारा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम लोग आर के द्वारा लिख रहे हैं। ये है क्या, देखिएगा जो आई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो आर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आई के द्वारा ही डिनोट क्यों हुआ, क्योंकि इंसिडेंट रे के थ्रू से यहां एंगल बन रहा है ना, और इंसिडेंट रे आई से स्टार्ट होता है, इस रीजन से यो यहां पर डिनोशन इसका जो डिनोटेड किए गए वो किससे किया गया, आई के थ्रू से किया गया। इधर आर के थ्रू से क्यों किया गया, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आर से स्टार्ट होता है इसलिए इसे आर के द्वारा डिनोट किया गया, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, या पूछ दे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, आप डिफिनेशन को खुद से बना सकते हैं जब आप चीजों को एक बार समझ जाओगे। तो देखिए ये एंगल आई है, एंगल आई लाई किसके किसके बिटवीन में कर रहा है, किसके किसके बीच में, समझिएगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, अभी ये पोर्शन आप नहीं देख रहे हैं तो ये दोनों के बीच में क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, दोस एंगल विच लाई बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वैसा एंगल, ये एक तरह का एंगल ही है ना, कौन ये किसके किसके बिटवीन में लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन में, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसी प्रकार से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं, दोज एंगल विच लाई बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दोनों के बीच में, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे टर्म को समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो चलिए समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, वो दो लॉ कौन कौन सा है उस चीज को समझते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा वो तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने फिगर में क्या देखा था कि एक पॉलिश सरफेस था, जब उस पर रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा था और वहां से क्या हो रहा था कि वो बाउंस बैक कर जा रहा था, तो वहां पर हम लोगों ने देखे थे, हम लोगों ने जाना था कि जो आने वाला रे होगा उसे इंसिडेंट रे, जो टकरा कर वापस चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों के बीच में क्या था, नॉर्मल था, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे है ना, तो ये पहला लॉ है। पहला लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो है। अब इसका सेकेंड लॉ समझिएगा क्या बोलता है। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इट मींस जो एंगल आई होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सपोज समझिएगा कि अगर बोले कि एंगल आई जो है वो आपका 45 डिग्री है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ आर, तो एंगल आर क्या होगा, तो आप देखिएगा कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई आर के बराबर होगा, इट मींस एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इट मींस जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इस चीज से हम लोग ये समझ रहे हैं। सपोज अगर एंगल आई आपका 30 डिग्री रहता तो एंगल आर कितना हो जाता आपका, 30 डिग्री हो जाता, क्यों, क्योंकि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, तो जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा,
आई होप आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो चलिए उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकेंड है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों को वन बाय वन करके समझते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। देखिए कोई हम लोग स्मूथ पॉलिश सरफेस लिए हुए हैं। स्मूथ पॉलिश सरफेस का मतलब सरफेस तो पॉलिश किया हुआ है लेकिन स्मूथ है। स्मूथ का मतलब हर एक जगह एक जैसा है, ठीक है। सरफेस क्या है? हर एक पॉइंट पे एक जैसा है, ठीक है। जब इस पे बहुत सारे रे ऑफ लाइट फॉल करते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करते हैं तो हर एक रे एक दूसरे का क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। हर एक रे एक दूसरे का क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। मींस जो भी रे ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस पे फॉल कर रहा है तो उसके जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग अनदर नेम से भी जानते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो अनदर नेम है वो क्या है? स्पेकुलर। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अनदर नेम ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अनदर नेम ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो उस चीज को देखिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द प्रोसेस ऑफ लाइट इन विच लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस स्मूथ पॉलिश सरफेस देन ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करेंगे तो उसके जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे का पैरेलल होंगे। इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो नॉन एज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर एक स्मूथ पॉलिश सरफेस लिए हुए हैं जिसका सरफेस क्या है? हर एक जगह एक जैसा है, ठीक है। जब इस पे बहुत सारे रे ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं? फॉल कर रहे हैं। तो जितने भी रिफ्लेक्टेड रे है सारा क्या है? एक दूसरे का पैरेलल है। तो हम लोग समझे ही थे कि वैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिस जो क्या होता है किसी स्मूथ सरफेस पे जब फॉल करता है तो जितने भी रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो सारे एक दूसरे का क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका अनदर नेम हम लोगों ने क्या समझा था? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखिए कोई हम लोग इरेगुलर सरफेस लिए हुए हैं। सरफेस कैसा है? इरेगुलर है, मतलब एक जैसा नहीं है। तो जब उस पे रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो एक दूसरे का पैरेलल नहीं होते हैं। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कह देते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लाइट इन विच लाइट फॉल ऑन अ इरेगुलर सरफेस, जब लाइट इरेगुलर सरफेस पे फॉल करता है देन ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो एक दूसरे का पैरेलल नहीं होते हैं। इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और देखिए व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अनदर नेम क्या है? ह्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द अनदर नेम ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो अनदर नेम है वो क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो चलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हम लोग
इरेगुलर सरफेस लेते हैं, इरेगुलर का मतलब होता है एक जैसा ना होना, ठीक है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, मतलब सरफेस एक जैसा ना होना क्या कहलाता है, इरेगुलर सरफेस। तो जब हम लोग इरेगुलर सरफेस लेते हैं और उस पे रे ऑफ लाइट क्या करता है, फॉल करता है, तो जितने भी रे ऑफ लाइट फॉल करते हैं वो एक दूसरे का पैरेलल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सरफेस एक जैसा नहीं है, इस वजह से रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसा कि आप फिगर में देखोगे कि यह सरफेस कैसा है, इरेगुलर है, एक जैसा तो नहीं है। अब ये रे ऑफ लाइट आया इधर चला गया, जबकि ये रे ऑफ लाइट आया इधर चला गया, मतलब जो रे ऑफ लाइट फॉल करता है वो उसके रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे का पैरेलल नहीं होते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी समझ गए होंगे। और मैंने आपको बताया कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। कहता हूं कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए होंगे और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए होंगे।